हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्कर्स में ट्रेंचर इन इंडिया। ये आज आपके लिए सेंटर वाली मशीन है, ट्रैक्टर अटैचमेंट जो सोनालिका DI-55 पे बनी हुई है। इसके अंदर है सोनालिका ट्रैक्टर, आपको दिखा देता हूँ मैं पूरा। इसके अंदर सोनालिका इंटरनेशनल DI-55 ट्रैक्टर है, जिसपे सक्सेसफुल है मशीन, और चैन इसके डबल वाली लगी हुई है। ट्रैक्टर के बीचों बीच खुदाई करने में सक्षम है मशीन। ये करारी है और ये जो चैन देख सकते हैं आप, 2 इंची में चैन है और डबल वाले कटर लगे हुए हैं। ये 11 इंची के कटर लगे हुए हैं इस पर, और जो कि 11 इंची कटर में लगभग 12 इंची आप नाली की खुदाई कर सकते हैं। चैन का साइज आपको अलग अलग भी मिल सकता है, जैसे अगर हार्ड मिट्टी है तो उसमें आप चैन का साइज बढ़ा सकते हैं, 2.25 इंची में, 2.5 इंची में चैन लगवा सकते हैं आप। और ये जो सेंटर अटैचमेंट में मशीन है जो ट्रैक्टर के बीचों बीच खुदाई करती है, ये 6 फीट तक आराम से खुदाई गहराई कर सकती है नाली की। और जिसपे ये जो ये कटर लगे हुए हैं, इस कटर की सहायता से 12 इंच तक चौड़ाई आप नाली की कर सकते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट है, 6 फीट की है तो आराम से पूरी 6 फीट करेगी, और 3 फीट 4 फीट आपको करनी है तो ड्राइवर के बिल्कुल राइट हैंड में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, इसकी सहायता से आप इसकी गहराई कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि इस हाइड्रोलिक जैक के लिए दिया गया है। प्लस जो दूसरा लीवर है वो चैन को टाइट और ढीला करने के लिए है, जो इसके अंदर इसका हाइड्रोलिक जैक दिया गया है छोटा, उसके लिए आपको ये नट ढीला करना पड़ेगा, और जिससे आप चैन कस सकते हैं और ढीला कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रैक्टर 750 थर्ड, DI-60, स्वराज ट्रैक्टर, प्री ट्रैक्टर, इंडो फार्म भी ट्रैक्टर ला सकते हैं आप। इंडो फार्म के पर मशीन तैयार हो रही है, उसकी वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगा आपके सामने और आपसे साझा करूँगा उसकी जानकारी। ये हमारी मशीन की एड है, जो कि आप यहाँ पे इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं मशीन का ऑर्डर देना हो। और इस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और लाइक कर देना वीडियो को, और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करना, और शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बारे में अगर आप जानकारी लें तो ये गरारा लगा हुआ है बिल्कुल इसके हांडे के साथ में, उसके ऊपर चैन वर्क करती है, ये प्लेन बुनी होती है। कई हमारे जो मित्र है इसकी जानकारी लेते हैं तो उनको बता दूंगा, ये प्लेन बुनी है और ये गरारी बुनी है, इसको डिस बोलते हैं, जिसके ऊपर चैन पूरा रोटेट होके अपना राउंड पूरा करती है। ये ब्रह्म गरारी है, इसका पूरा डंडा आप देख रहे हैं, ये ब्रह्म डंडा होता है जिसके ऊपर ये ब्रह्म पत्रे लगे होते हैं। इन पत्रों का क्या काम होता है, मिट्टी को साइड में हटाना। गहराई में जब मशीन दबती है तो जो मिट्टी बाहर निकलती है उनको साइडों में करती रहती है। तो सोनालिका DI-55 पे मशीन बनी हुई है बिल्कुल सेंटर में वर्क करने वाली। अभी आपको मशीन चला के भी दिखाऊंगा मैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।